हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर राहुल चौहान है। मैं मणिपाल हॉस्पिटल गाज़ियाबाद में एज ए पीडियाट्रिशियन काम कर रहा हूँ। आज हम आप सब लोगों से डिस्कस करेंगे रिकरेंट पेन एब्डोमिन के बारे में, मतलब कि बार बार बच्चों के जो पेट में दर्द होता है उसके बारे में हम आज कुछ चर्चा करेंगे। ये अवस्था जनरली हम 5 साल से ऊपर के बच्चों में और 10 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अधिकतर देखने को मिलता है कि बच्चों में बार बार पेट दर्द होते हैं। एक पेरेंट्स के लिए बड़ा कंसर्न पॉइंट होता है, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है। द चाइल्ड इज़ प्लेइंग एंड सडनली ही इज़ कंप्लेनिंग ऑफ पेन एब्डोमिन, क्राइंग, समटाइम्स वॉमिटिंग एंड आफ्टर 5-10 मिनट्स एवरीथिंग इज़ फाइन, द चाइल्ड इज़ अगेन प्लेफुल। नॉर्मली अगर हम देखें तो इस पेन एब्डोमिन को, जो बार बार पेन एब्डोमिन होते हैं, इनको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिक ग्रुप और एक नॉन ऑर्गेनिक ग्रुप। ऑर्गेनिक ग्रुप क्या होते हैं? ये वो ग्रुप होते हैं जो किसी बीमारी से रिलेटेड होते हैं। इनके लक्षण आपके बच्चों में क्या हो सकते हैं? लगातार लूज स्टूल होना, वेट लॉस होना, बच्चे की डेली एक्टिविटी हैम्पर होना, उसकी इरिटेबिलिटी होना, बच्चा अच्छे से वेट गेन नहीं कर रहा है, स्कूल परफॉर्मेंस उसकी कंप्रोमाइज हो रही है, ये एक बीमारी से, एक डिजीज से रिलेटेड होते हैं जिसको हम ऑर्गेनिक ग्रुप में इंक्लूड करते हैं। इस हालांकि ये बहुत कॉमन नहीं होता, केवल अगर आप देखें तो 8 से 10% बच्चे होते हैं जो ऑर्गेनिक ग्रुप में आते हैं। एंड द मोस्ट कॉमन जो सेकंड वन है वो होता है नॉन ऑर्गेनिक ग्रुप, जिसमें हम 90% बच्चे होते हैं जो इस ग्रुप में आते हैं और जिनमें अधिक तक पेन एब्डोमिन की शिकायत होती है। इसका रिलेशन ज़्यादातर अगर हम देखें तो उनकी पुअर ईटिंग हैबिट से, फिज़िकल एक्टिविटी ना होना, इस वजह से ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं। पुअर ईटिंग हैबिट्स यानी कि दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन द पैक्ड फूड, शुगर एडेड ड्रिंक्स, आउटसाइड फूड जिसके जो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। बच्चों में यदि हम कुछ टेस्ट की बात करें कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये कोई ऑर्गेनिक ग्रुप में है या कोई नॉन ऑर्गेनिक ग्रुप में है, तो हम बहुत बेसिक से टेस्ट इन बच्चों में हम करा करके देख सकते हैं, जैसे स्टूल एग्जामिनेशन हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, एक सिंपल हम एक्सरे भी करा करके देख सकते हैं जस्ट टू रूल आउट कि बच्चों में कोई कब्ज की शिकायत तो नहीं है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं है। इसका ध्यान रखिए कि बच्चों में कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा रीज़न होता है पेन एब्डोमिन का। नॉर्मली 48% बच्चों में देखा गया है कि कॉन्स्टिपेशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ पेन एब्डोमिन, जिसके लिए हम सिंपली एक एक्सरे करा करके देख सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी कुछ और भी जाँचें होती हैं जिनको हम करा के देख सकते हैं, जैसे वीट एलर्जी हो गया, ये देखने के लिए। इसका इलाज जो है वो डिपेंड करता है कि क्या कारण है, उस कारण को हमें ट्रीट करना है। बेसिक टेस्ट कराने के बाद हमें पेरेंट्स को रीअश्योर करना चाहिए कि बच्चे को कोई परेशानी है या नहीं है। अगर कोई कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए हम कुछ दवाइयाँ बच्चों को दे सकते हैं, और बच्चों की ईटिंग हैबिट्स को हमें सुधारना है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आई होप ये एक छोटी सा इन्फॉर्मेशन आप सभी के काम आएगा। अगर आपकी कुछ क्वेरी होती है तो आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।